हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होम टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम विंडोज 7 में कैसे अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये डेस्कटॉप आ रहा है। तो जब आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको फ्रेश पीसी होता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन आ रहा होता है। तो हमारा यहाँ पर माई पीसी या दिस पीसी का आइकन नहीं आ रहा है, तो हम वो लाएंगे पहले। तो देखिए, हमें यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पर्सनलाइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा चेंज डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन्स आ रहे हैं। तो ये देखिए कंप्यूटर आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल पैनल भी चाहता हूँ अगर मैं कि मेरा डेस्कटॉप पर दिखे, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो अभी हमें सिर्फ कंप्यूटर का ही आइकन चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का आइकन आ गया है। तो चलिए अब यहाँ पे कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं अपना। तो देखिए, हमें कंप्यूटर नेम चेंज करने के लिए अपने इस कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंप्यूटर नेम आ रहा है होम पीसी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर कुछ और नाम हो, तो मैं वो कर लूँगा। यहाँ पर मैं चेंज सेटिंग पर क्लिक करूँगा और देखिए चेंज सेटिंग में मेरे क्लिक करने के बाद हमारा ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें चेंज पे क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा कंप्यूटर नेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपना कंप्यूटर नेम दे देंगे। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे होम टैग दे देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी और कुछ नहीं करना हमारा यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ ओके कर देना है। तो देखिए हमको बोल रहा है कि अगर आप अपना जो भी नाम आपने चेंज किया है वो अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा। और रिस्टार्ट करने से पहले आप अगर कोई भी काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उसको आप अपना सेव कर लीजिए और उसको सेव करने का क्लोज कर दीजिए, उसके बाद ही रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ओके दबा देते हैं और क्लोज। और उसका देखिए यहाँ पे हमसे रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे रिस्टार्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है और ये मुझसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा डेस्कटॉप आ गया। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा कंप्यूटर नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हमें अपना कंप्यूटर नेम चेक करने के लिए हम अपने कंप्यूटर के आइकन पर अगेन जाएंगे, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे कंप्यूटर नेम हमारा अब होम टैग हो गया, जो पहले होम पीसी था। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से हम अपने विंडोज 7 में अपने कंप्यूटर नेम को चेंज करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।